अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू गेटवे इंफो नेटवर्क, द किंग मेकर ऑफ इंडिया। सन 1608, हिंदुस्तान की राजधानी आगरा, लाल किला की शाहिनशाह जहांगीर की दरबार। ब्रिटिश हुकूमत के राजदूत सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में बिजनेस करने की इजाजत देने की गुजारिश किया। शाहिनशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ चीनी, कॉटन, रेशम और लेदर की तिजारत करने की इजाजत दी। बंगाल की खाड़ी द बे ऑफ बंगाल के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने 3 जहाज को लेके आए। समुन्द्र किनारे कायम गोविंदपुर, सुतानटी और कोलकाता नाम की 3 गांव तक ही कंपनी का लोगों की आने जाने का इजाजत हासिल था। दुनिया की सबसे अमीर और खुशहाल देश हिंदुस्तान में तिजारती मसले में बार बार नाकामयाब हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि हिंदुस्तानी जनता को गोरे अंग्रेजों से कुछ खास दिलचस्पी नहीं था, बल्कि नफरत और करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की कर्मचारी यूरोपियन क्रिश्चियन मजहब के थे। ये लोग बीफ यानी गाय की मांस भी खाता था और पोर्क यानी शुअर का गोश्त भी खाता था। हिंदुस्तानी मजहबी जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जात पात छुआछूत के साथ साथ अपनी अपनी मजहब को खो जाने के डर से अंग्रेजों से खास दूरियां बना के चलते थे। गरीब ब्रिटिश कंपनी की कर्मचारी हर हाल में अमीर दौलतमंद हिंदुस्तान में बिजनेस करने से खुद को नहीं रोक सकता था। हर तरफ से नाकामी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कॉरपोरेट कल्चर पॉलिसी यानी इबलिशियत की सहारा लेना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ बन के आए रॉबर्ट क्लाइव की टीम हिंदुस्तानी जनता, समाज और हुकूमत को बारीकी से रिसर्च किया। भारतीय समाज अलग अलग मजहब में बटे हुए थे। खुशहाल, मजहबी, मजबूत इकोनॉमी में खड़े भारतीय जनता को गरीब ब्रिटिश कंपनी का कोई भी चीज पे दिलचस्पी नहीं था। दूसरी तरफ रेशमी कपड़े, कॉटन, चाय पत्ती जैसे भारतीय चीजों की जरूरत यूरोपियन बाजार को था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने देखा खुशहाल भारतीय समाज में हर दूसरा बंदे की ख्वाहिश है राजा बनने की। लगभग हर हिंदुस्तानी राजा बनने की चाहत रखता है। ब्रिटिश कंपनी खुद को हिंदुस्तान में राजा बनाने की भीड़ में शामिल नहीं किया, बल्कि खुद के लिए एक नई दुनिया का इजाद किया, द किंग मेकर। रॉबर्ट क्लाइव हिंदुस्तान की एलिट क्लास को बोला, हम ब्रिटिश खुद राजा नहीं बनते, हम राजा बनाते हैं, हर काबिल शख्स को राजा बनने में मदद करते हैं, और वो बंदा राजा बन के हमें बिजनेस में मदद करता है, और हम ब्रिटिश कंपनी बिना रोक टोक के सिर्फ बिजनेस करते हैं। ये साजिश है किंग मेकर आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रंग लाए। समग्र हिंदुस्तान की हर कामयाब ताकतवर परिवार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से बिजनेस करना शुरू किया। भारतीय अभिजात समाज ने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी से बिजनेस करने में एक तो फायदा दुगना है, दूसरा जब भी हम राजा, नवाब या जागीरदार बनने के लिए आगे आएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा साथ जरूर देगा, हमारा वकालत करेगा, हमारा हिमायती बनेगा। रॉबर्ट क्लाइव की ये पॉलिसी कुछ ही महीनों में इतना कामयाब हो गया कि समग्र हिंदुस्तान की राजघराना, जागीरदार और नवाब से लेके हर बड़ा बिजनेस घराना ब्रिटिश कंपनी का दोस्त बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस से ज्यादा हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिसी सेंटर ज्यादा बन गए। बंगाल रियासत से मीर जाफर, उमीचंद, जगत सेठ जैसा 19 बड़े ताकतवर लोग रॉबर्ट क्लाइव से गुजारिश किया कि वो खुद राजा बनना चाहता है। ये लोग अरबों खरबों रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया ताकि ब्रिटिश कंपनी इनको राजा बना दे। 1757 में बंगाल रियासत की सुविशाल ताकतवर सेना के सामने मामूली गिनती की ब्रिटिश सेना दुश्मन बनकर खड़ा हो गया। बैटल ऑफ पलासी, हाथी और चीटियों की जंग, बंगाल के नवाब सिराजदौला की फौज हाथी जैसा और ईस्ट इंडिया कंपनी चीटी जैसा। लेकिन 1757 की बैटल ऑफ पलासी में चीटी ने हाथी को शिकस्त दे दिया। हर चुथिया की राजा बनने की ख्वाहिश ने खुशहाल हिंदुस्तान की मुकद्दर को ही पलट दिया। बंगाल रियासत का हुकूमती कुर्सी एक शोपीस बन गया। जब मर्जी जिसका मर्जी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ही बंगाल की राजा बनाने लगे और जब मर्जी हटाने लगे। ये नजारा देख के मराठा राजघराने की गद्दार लोगों ने भी राजा बनने की चाहत लिए अरबों खरबों रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया।
कोलकाता में बैठ के हिंदुस्तान की हर रियासत में राजा बनाना और राजा बिगाड़ने की खेल चलाता रहा ब्रिटिश। दुनिया की सबसे अमीर देश हिंदुस्तान को ब्रिटिश लूटते लूटते कंगाल कर दिया। किंग मेकर बन के किंग मेकिंग का ये खेल 1757 से 1857 तक कायम रहा। चालाक ब्रिटिश ये शौचालय में कभी भी खुद राजा नहीं बने, खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजा बनाने की मशीन के तौर पे रखा। हिंदुस्तान को 100 साल लग गया एक ब्रिटिश कंपनी का ये पॉलिसी समझने के लिए। जब हिंदुस्तान को ये बात समझ में आया तो सब ने मिलके 1857 की महाजंग लड़े और शिकस्त खा के मिट गए। ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान को अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से अपने हाथ में ले लिया और हमें गुलाम बना दिया। राजा बनने की ख्वाहिश आज भी हर हिंदुस्तान की आरजू है और ये आरजू पूरा करने की खेल आज भी कुछ कंपनी खेल रहा है। बाकी आप सब समझदार हो, किंग मेकर का किंग बनाने की ये खेल चलते देख के आप क्या महसूस करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए।